बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट को सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के कुभाजन का शिकार होना पड़ा है। दरअसल दोनों ने ही दिवाली के मौके पर पटाखे न जलाने की अपील की थी, जिसके बाद ट्रोलर्स ने उन पर भद्दे कमेंट्स भी किए। जाने किस तरह से ट्रोल हुई ये दोनों एक्ट्रेस। श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट दोनों ही नई जमाने की चुलबुली एक्ट्रेस हैं। दोनों अपनी फिल्मों के गाने भी गा चुकी हैं तो दोनों ही ऑफबीट फिल्में भी कर चुकी हैं। यही नहीं, दोनों में एक बात और भी कॉमन है कि दोनों ही एक ट्रेस पालतू जानवरों, आवारा पशुओं और पक्षियों की देखभाल को लेकर मूवमेंट भी चलाती हैं। इतना सब कॉमन होने के बावजूद दोनों ने अब तक स्क्रीन शेयर नहीं किया है, पर सोशल मीडिया ने एक बार फिर से दोनों को साथ ला दिया, वो भी गलत तरीके से। जाने क्यों, दोनों ही एक ट्रेस ने दिवाली के मौके पर लोगों से पटाखे न जलाने का अनुरोध किया था। दोनों का कहना है कि इससे जानवरों और पक्षियों को दिक्कतें होती हैं, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया के शिकारियों को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। दोनों को हर तरफ से ट्रोल किया गया, यहां तक कि दोनों को हिपोक्रेट तक कहा गया। जाने किसने क्या कुछ कहा। श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट पर कमेंट प्रमोद शुक्ला ने लिखा कि दोनों ही एक ट्रेस कभी नए साल के मौके पर पूरी दुनिया की आतिशबाजी पर कुछ नहीं बोलती। अब त्योहार है, पटाखे जलाए जाते हैं तो क्या एक दिन में पूरी दुनिया प्रदूषित हो जाती है, जबकि नए साल पूरी दुनिया में जमकर आतिशबाजी होती है। पुष्पेंद्र मौर्य ने लिखा, बॉलीवुड सेलेब्स की हिपोक्रेसी देखिए, ये दिवाली पर पटाखे जलाने से मना करते हैं पर अपनी मूवीज के प्रमोशन तक पर जमकर आतिशबाजी करते हैं। कुछ इसी तरह अन्य लोगों ने भी दोनों एक्ट्रेस को निशाने पर लिया।